रजित, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट सो फार? अभी तक सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? बड़ा हरामी एक्टर है. अभी मुझे किसी ने वो यूट्यूब पे वीडियो डाली कि ये बड़ा हरामी एक्टर है. तो अच्छा लगा मुझे सुन के. वैसे तो गाली है, बुरा लगता लगना चाहिए था मुझे, लेकिन इसकी नीयत कुछ और है. हाँ, उसकी नीयत कुछ और थी तो अच्छा लगा. द रिस्पॉन्स इज रियली गुड. हाँ जी, हाँ जी, क्रिटिक बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और आप अभी ऑडियंस से मिल के हैं, क्या कहना चाहेंगे दिलजीत? पहले तो हम लोग तो थैंक्स करने आए थे ऑडियंस का कि वो अपने घर से निकले हैं, अपनी फैमिली के साथ निकले हैं. ये बहुत बड़ी बात है. अभी लोगों का आना ही बहुत बड़ी बात है. उनको पिक्चर पसंद आ रही है, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बोनस हो गया. तो सर ने डायरेक्ट की है और ये फिल्म के बारे में ये ज़्यादा बताएंगे. हम तो कलाकार हैं, सिर्फ अपने अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहेंगे और स्पेशली थिएटर्स ओनर्स का भी जो फिल्में लगा रहे हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लोग आके बैठ के देख रहे हैं. सो आप लोगों का भी, मीडिया का भी थैंक यू. अभी तो सारों का थैंक यू करना ही बनता है सर कि लोग आने शुरू हो जाए. चलो सिनेमा का, सॉरी टू कट यू, चलो सिनेमा का आपने टैगलाइन दिया और हाँ, चलो सिनेमा इस तरह की जरूरत भी है फिलहाल. ओह यस, बिल्कुल. अभी ये तो मुझे टैगलाइन जी वालों ने बोला कि लिखो, लेकिन गुड हैशटैग. तो ये नीरज ने बोला था तो हमने लिख दिया भाई. अच्छा, आपके किरदार को बड़ा पसंद करा जा रहा है, वो मासूमियत की वजह से, जैसे अभी आपने कहा, नीरज ने कहा तो मैंने कर दिया. हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल भाजी, इसीलिए डायरेक्टर से मनोज वाजपेयी के किरदार से कंपैरिजन हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि बड़ी टक्कर, मतलब वो लिविंग लेजेंड है. मतलब उनको तो हम देख देख के शुरू हुए हैं. मुझे लगता है मेरा 84 का बर्थ है और वो हमारे वहाँ तब नाटक करने आते थे पंजाब में, वो मेरे को बताते थे. तो उनके का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता. इनोसेंस की बड़ी बात करी जा रही है आपकी. किसकी? इनोसेंस. अच्छा, जो है मैं इरोज की बात क्यों करी जा रही है? जी की फिल्म है. अच्छा, यस. हाँ जी, मासूमियत जो दिलजीत जिस तरह से अपनी फ्लॉलेस रहता है, जो भी कहते हैं करते हैं ऑन स्क्रीन, अच्छा, बड़ा दिल को छूता है. अच्छा, बारे में क्या कहना चाहिए? बस ऐसे ही हूँ भाजी मैं, और ये पाजी ने निकलवाई एक्टिंग, ये आपको बताएंगे बाकी. अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे? पीपल आर लविंग इट, यू नो, इफ यू कैन सी द ग्राफ, यू नो, द स्टार व्हिच इज गिवन द गिवन बाय क्रिटिक, द स्टैंड्स ऑफ इंडिया, अदर पीपल, दे हैव गिवन 3.5 स्टार्स. नहीं, सी, मोर देन द क्रिटिक्स रिव्यूज, व्हाट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस इज, यू नो, दैट पीपल आर कमिंग आउट. Because today nobody knew, no trade pundit could have predicted that what will be the turnout. So it's, of course, it's slow but steady, and it's steadily increasing. The word of mouth is really good. I've been talking to trade, and the word of mouth is really, really positive. So that's why, you know, our whole ambition is that at least people should come out and watch the film, give it a chance, because we have a month. There's no other release, so we are not worried about right now. We are not worried about that. What is the weekend? Those days are gone. But the fact that people are loving it, that's much more important than stars and critics. You know, because I'll tell you, critics matter maybe on the OTT platform where people see, you know, whether the film is hit or a flop with the stars rating. Out here, it's more important that, you know, how we fare at the box office in the overall lifetime collections. So we are hoping that we, you know, we make decent enough amount of money, and even the exhibition sector, you know, gets the support that it so deserves and needs. So hopefully it'll do well. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी 43 सीट्स भरी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? जी, गोल्ड क्लास में, जो कि आई थिंक इज द टॉप ऑफ द प्रीमियम पीवीआर एक्सपीरियंस, उसमें ऑलमोस्ट फुल हाउस होना, यू नो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीट्स इन इंडियन एग्जीबिशन स्पेस दैट पीवीआर प्रोवाइड्स. तो उसमें ये होना इज वेरी गुड ऑन द वेरी वेरी फर्स्ट डे आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप दैट, यू नो, वील हैव मोर पीपल कमिंग इन. Because one thing that we can assure people, kya social distancing, sanitizing, sab cheezon ka bahut dhyan rakha ja raha hai. Theaters are one of the most safe places right now, more than markets, more than election rallies, more than local trains. So for sure you can, you can. Ajit like, for sure. And I'm saying not just for our film. Exhibition sector needs that support and help, because theaters ne 100 saal ho gaye logon ko entertain kiya, aur ab logon ki bari hai ki wo theaters ko ek aur chance de in the post covid world. Fatima, even your character is loved by everyone. What you have to say about people are loving it, the Maharashtrian kodi? Acha lag raha hai ki logon ko kaam pasand aa raha hai, but jaise ki sab keh rahe hai ki is waqt yehi important ki log aaye theater mein aaye aur film dekhe, hame support ki zarurat hai. Bahut time ke baad theaters khule, hamari film ke sath theaters khule, to isse zyada badi baat
हो नहीं सकती है कि हमें इस वक्त लोगों का सपोर्ट मिले। तो चलो सिनेमा पे ज़्यादा जोर दरा प्लीज़ प्लीज़ आइए देखिए, बिकॉज अब तो हर चीज़ खुलने ही लग गई है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और आई एम ग्लैड कि लोगों को फिल्म पसंद भी आ रही है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, बाकी तो इंतज़ार है लोगों का आने का। डू यू एग्री विद दिस, यू द पीपल हु स्टार्टेड दिस कि चलो सिनेमा की इतना आप घबराए नहीं, जो वो तो उसका श्रेय तो इन्हें जाता है, बिकॉज ये बहुत ही डेयरिंग डिसीजन है कि ये टाइम पे अपनी फिल्म थिएटर में लाना। आई थिंक इन जी ने और अभिषेक ने ये डिसीजन लिया, सो आई थिंक इट्स कूडोज टू देम के सूरज पे मंगल भारी को के साथ शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन। दिस इज ऑल्सो Anand, you'll tell me once everybody is in. Yeah, sure. Raj and I were watching Judo yesterday. Yeah, it was fantastic. Yeah. Thank you. To be honest, we were up till 4 a.m. and we were watching it. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks for coming, guys. Thanks for coming. Appreciate it. Thank you. Enjoy. Thank you. Thank you.